जान के आता। सो गाइज अपर बाजार में बहुत कुछ मिलता है और ये सब ना काफी डिसेंट प्राइस में मिलता है, और ये पार्टीज में भी आप पहन सकते हो, इतने सुंदर झुमके हैं। और ये देखो कितना क्यूट सा लग रहा है। अब हम अपने सेकंड लोकेशन पे आ चुके हैं और यहाँ हम आए हैं अपर बाजार में, और यहाँ का चाट ना गाइस इतना अमेजिंग होता है कि मैं बहुत सुनी इस जगह के बारे में, और पापा अक्सर ही लाया करते थे तो मुझे यहाँ का चाट ना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो चलो चाट का टेस्ट करते हैं बिना और बकवास किए हुए, तो आ जाओ। सो गाइस ये चाट में बहुत सारे अंदर पनीर रहते हैं, टिक्की में मटर रहते हैं, काजू किशमिश और बहुत कुछ रहता है, तो इनकी टिक्की ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी होती है, तो हम लोग को ट्राई करना तो बनता है। यहाँ का अगर टिक्की ट्राई नहीं किया गाइस तो क्या करा। सो गाइस ये हमारा टिक्की हमें मिल चुका है, तो इसका टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसा लग रहा है। गाइस ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, और देखो मुझे पनीर मिल गया। सो गाइस नो डाउट यहाँ का टिक्की बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा यमी है, तो आपको भी ट्राई करना चाहिए। प्राइस सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज़ है, और टाइमिंग 4 बजे से 8 बजे तक रहता है, तो नाइट टूर में तो एक फ़ायदा मुझे मिल गया। शाम में हम लोग कुछ स्नैक्स लेते हैं, और मैं प्रेफर करती हूँ कि बादाम खाते हैं, तो चलो कुछ फ्राई करवाते हैं और खाते हैं। सो गाइस चलते हैं। सो गाइस मैं सब कुछ मिलवा रही हूँ, इसमें बादाम है और ये फुट्टा है और ये चूड़ा है, जो भी है मुझे नाम इतना नहीं पता है। सो गाइस शाम में इतना क्राउड बढ़ चुका है कि मुझे लिटरली यहाँ वीडियो शूट करने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं जैसे शूट करना शुरू करी हूँ यहाँ से पैम 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 पैम, मतलब यार अच्छा। तो चलो मेरा ये भी हो चुका है। सो गाइज ये चूड़ा तो मेरा भुंजा चुका है, और मैं सोची कि ये चूड़ा खाते खाते मैं अपना नेक्स्ट लोकेशन खोजूँ। अरे मुझे मिल गया ये बाबा लिट्टी। तो गाइज यस ये खाते खाते मुझे एक और लोकेशन मिल गया, आई एम सो स्मार्ट ना। तो गाइज इसे तो मैं बाद में खाऊंगी, पहले तो मैं खाऊंगी लिट्टी, तो आ जाओ। सो गाइज हियर इज माई लिट्टी, और अगर अपर बाजार आया और लिट्टी नहीं खाया यार तो क्या ही किया। तो चलो इसका टेस्ट देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है यार। सो गाइज यहाँ का लिट्टी बहुत अच्छा है, मतलब मम्मी का स्वाद यहाँ मुझे मिल रहा है, तो ये लिट्टी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और ये आपको भी खाना चाहिए क्योंकि अपर बाजार आया और लिट्टी नहीं खाया, वो भी देसी स्टाइल में, तो यार क्या ही किया। तो मैं तो इन्जॉय करने जा रही हूँ क्योंकि लिट्टी से नो कॉम्प्रोमाइज। सो गाइज 8 बज चुका है, और आप यहाँ क्राउड देख सकते हो, मतलब यहाँ क्राउड ही नहीं खत्म हो रहा है गाइज, इतना यहाँ भीड़ है, मतलब
सकते हो। तो गाइज विदाउट लेट के हुए मैंने यहाँ पे ऑर्डर करा है इडली और वो सिर्फ मात्र 20 रुपीज़ का है। तो इसका टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसा है। तो गाइज ये हमारा इडली का प्लेट आ चुका है और इसमें इडली सांभर चटनी तीनों डले हुए हैं। गाइज इडली बहुत सॉफ्ट है, आपको भी ये ट्राई करना चाहिए क्योंकि 20 रुपये बहुत डिसेंट प्राइस है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। 1 2 3 4 यस मैंने 4 जगह खा लिए। ओ माय गॉड ये किस चीज़ का क्राउड है। तो गाइज देखते हैं ये किस चीज़ का क्राउड है। वैसे तो मुझे पता है यहाँ पे बहुत अच्छा जलेबी मिलता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको भी पसंद पड़ेगा, आ जाओ। सो गाइज इतना शाम हो चुका है, मतलब कि 8:30 बज चुका है, शाम क्या रात हो चुका है, तो मुझे ना समोसा नहीं मिला गाइज, तो ये ना इन्होंने मुझे आलू चॉप दिया है और इसका टेस्ट देखते हैं ये कैसा है आलू बुंदे। और ये मेरे पास है जलेबी, ये मुझे जलेबी लिटरली बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, मुझे जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसे बिना लेट किए मैं खा लेती हूँ। जलेबी तो पहली मोहब्बत है और मैं मिस कर रही हूँ यार, मुझे समोसा पसंद था, मुझे आलू बुंदे ओके ओके लगते हैं, बट यहाँ की टेस्ट अच्छा है, बट यहाँ की टेस्ट अच्छा है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो गाइस। इसका आलू का टेस्ट वाओ बहुत अच्छा है, पूरा निखर कर आ रहा है, तो आप यहाँ ज़रूर ट्राई करना। रात होते जा रहा है और सारे दुकान बंद होते जा रहे हैं, मतलब सबका सेटअप गिरते जा रहा है, लेकिन हमारा खाना मतलब हम खाना बंद नहीं कर रहे हैं गाइस, क्योंकि जब तक यहाँ सारे जितने दुकान खुले हैं फूड स्टॉल्स, हम खाना बंद नहीं करेंगे। और मुझे यहाँ रांची का सबसे फेमस चीज़ मिल चुका है और आपको पता होगा स्वीट डेजर्ट जिसको अनरसा बोलते हैं, तो आ जाओ गाइस। अनरसा यहाँ का बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिश है, तो ट्राई करना तो बनता है ना आपके साथ। सो गाइस ये दो टाइप के हैं, इसमें बिना मावा का है और इसमें ना हमारे मावा डाले हुए हैं, और इसकी प्राइस ना 10 रुपीज़ है क्योंकि इसके अंदर पूरा मावा डाला हुआ है गाइस। और ये बिल्कुल प्लेन है जो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मुझे मावा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं ये प्लेन वाला खाने वाली हूँ। और ये बेसिकली चावल के बनते हैं और देखो इसमें ऊपर कितने सारे सेसमे सीड्स लगे हैं गाइस, अगर रांची के आ रहे हो तो ये ज़रूर ट्राई करना, लिटरली इसका टेस्ट कोई मिठाई नहीं दे सकती है। सो गाइस अप्पर बाजार बहुत बड़ा है और एक्सप्लोर करते करते हमारे 9 बज चुके हैं और यहाँ का आधा से ज़्यादा शॉप बंद हो चुका है गाइस, तो अब तो कोई उपाय ही नहीं बचा है कि हम और शॉप जाए और कुछ भी खाए पिए। तो ये हमारा लास्ट ड्रिंक है और इसे टेस्ट करते हैं। आई नो कि यहाँ बहुत कुछ बच चुका है क्योंकि इतना बड़ा अप्पर बाजार में और मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए, मतलब सब कुछ बंद हो चुका है गाइस, तो मैं कहाँ से करूँगी। और जो जगह छूट चुका है और बहुत आपको लगता है वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, तो मैं सेकेंड पार्ट लाऊँगी इसका और आप वहाँ मुझे कमेंट करोगे यहाँ और बताओगे कि यहाँ और क्या एक्सप्लोर करना चाहिए। आज का दिन तो मुझे मज़ा आ गया यार ये अप्पर बाजार एक्सप्लोर करने में और यहाँ का खाना, मतलब मुझे हर कुछ डिसेंट और बहुत ही जेन्युइन लगा, माइंड ब्लोइंग, मतलब स्ट्रीट फूड आर ऑलवेज बेस्ट यार। इसकी प्राइस 25 रुपीज़ है और ये मुझे ओके ओके लगा, मुझे लगा था कि रात का जो मेरा ये डेजर्ट होगा, मतलब ये जो ड्रिंक होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन ये ओके ओके है, बट इट्स ओके, मेरा पूरा का दिन मतलब आज बहुत अच्छा रहा। बहना तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ घर जाओ, मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से कर दो। और ये ही नहीं सर, आप भी कर